देश के चार हिस्सों से मॉनसून टर्फ बनने से झारखंड में गुरुवार से मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। चार तरफ से मॉनसून टर्फ बनने से इसका असर लगभग सभी जिलों में पड़ रहा है। इससे सभी जगहों पर अच्छी बारिश हो रही है। इसका असर अगले 6 दिन तक रहने की संभावना है। 9 जुलाई को दक्षिण झारखंड में कहीं कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। केंद्रीय मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक उपेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पहला मॉनसून टर्फ पंजाब से झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बन गया है। दूसरा मॉनसून टर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश से झारखंड की ओर बना है। तीसरे की बात करें तो तीसरा मॉनसून टर्फ बंगाल की खाड़ी से झारखंड होते हुए ओडिशा की ओर बना है। वहीं चौथा मॉनसून टर्फ झारखंड से ही आंध्र प्रदेश की ओर बन गया है। अब तक झारखंड में 329.2 मिमी बारिश मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 1 जून 2021 से 8 जुलाई 2021 तक झारखंड में औसत 329.2 मिमी बारिश हो गई है, जबकि इस समय सामान्य वर्षा का रिकॉर्ड 276.6 मिमी दर्ज है। यानी झारखंड में अब तक 52.6 मिमी बारिश अधिक हो गई है, जिसका प्रतिशत 19 है। वज्रपात होने से राज्य में 4 की मौत। रांची में गुरुवार को रुक रुक कर 12 मिमी बारिश हुई, जबकि राज्य में आज सबसे अधिक पाकुड़ यानी पकुड़िया में 82 मिमी बारिश दर्ज की गई। रांची से बाहर कई इलाकों में वज्रपात होने से जानमाल को काफी नुकसान हुआ है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार राज्य में वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई है। इसमें गोड्डा में 2 किसान, देवघर में 1, पाकुड़ में 1 व्यक्ति शामिल है।